हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शावी एजुकेशन। तो आज हमारी आईपी की पहली क्लास है और आईपी की पहली क्लास में हम पढ़ रहे हैं आज पहला लेसन हार्डवेयर कॉन्सेप्ट। ये 11th क्लास का पहला लेसन है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको थ्योरी की, जो पहला चैप्टर है वो पूरा थ्योरी है, तो हम आज थ्योरी पढ़ेंगे। और थ्योरी के अंदर मैं आपको एक बात बता दूं कि थ्योरी आपको इतनी सारी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत डीपली जाके पढ़ रहे हो, क्योंकि थ्योरी के अंदर एक या दो नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं और वो एक या दो नंबर के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। तो मैं आपको वही क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है, और आपको वो क्वेश्चंस आपको याद करने हैं वैसे के वैसे ही, ठीक है। जिनमें से काफ़ी सारी डेफिनेशंस है, तो डेफिनेशंस के आपके पास और कोई सोल्यूशन नहीं है। डेफिनेशन आपको जैसी की लिखी हुई है वैसे की वैसी आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि एक या दो नंबर के अंदर आपको डेफिनेशंस अगर आप अलग से लिखते हो तो उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो डेफिनेशंस आपको एज इट इज़ याद करनी पड़ेगी। तो पहले हम चलते हैं, पहला जो है हमारा वो है व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? अब कंप्यूटर क्या है, इसकी डेफिनेशंस आपको ऐसी कैसी याद करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको कहा, कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस इन अकॉर्डेंस विद अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम। मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अलग अलग तरीके के ऑपरेशंस करता है, और किसके अकॉर्डिंग करता है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसको मिलते हैं। और वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाते हैं, प्रोग्राम, ठीक है। अब हम बात करते हैं फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर की, कंप्यूटर फंक्शन कैसे करता है, क्या है उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर फंक्शन कैसे करता है कि उसको पहले इनपुट मिलता है, फिर वो इनपुट जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। तो इनपुट किससे आता है, इनपुट यूनिट से। इनपुट यूनिट आता है, इनपुट यूनिट जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, फिर वहाँ से वो जाता है मेन मेमोरी में, प्रोसेस होकर आता है वापस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, और फिर वहाँ से आपको मिल जाता है आपका आउटपुट, ठीक है। तो अब ये जो है कंपोनेंट्स, इनको हम अलग अलग करके पढ़ते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट को कैसे पढ़ें, इनपुट यूनिट इज़ फॉर्म्ड बाय द इनपुट डिवाइसेस अटैच्ड टू द कंप्यूटर। मतलब कि इनपुट डिवाइस जो है, इनपुट यूनिट जो है वो कैसे फॉर्म होती है, इनपुट यूनिट फॉर्म होती है इनपुट डिवाइसेस से, इनपुट डिवाइसेस से इनपुट यूनिट फॉर्म होती है। जैसे कि आप कीबोर्ड पर टाइप कर रहे हो, तो कीबोर्ड पर टाइप करते हो तो आप जब टेक्स्ट देते हो, ठीक है, तो कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड एक आउटपुट, वो सॉरी इनपुट डिवाइस है जिससे आप इनपुट दे रहे हो, ठीक है। और इनपुट फॉर्म हो रहा है किसमें, आपके कंप्यूटर में। तो इनपुट यूनिट जो है वो फॉर्म होता है इनपुट डिवाइसेस से जो कि अटैच्ड हैं कंप्यूटर से। अब इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स क्या हैं, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, ऑप्टिकल मार्क रीडर एट्सेट्रा, ठीक है। अब ऑप्टिकल मार्क रीडर, यहाँ पर आप देखना, ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR, मतलब ये आपसे फुल फॉर्म कई बार पूछी जाएगी पेपर के अंदर। फुल फॉर्म जैसे जैसे आती जाए आप वैसे वैसे लिखते जाओ, क्योंकि फुल फॉर्म्स जो है पेपर के अंदर कई बार आती है, कई बार क्या, हमेशा ही फुल फॉर्म्स तो आपसे पूछी जाएगी। तो जैसे जैसे आती जाए वैसे वैसे आप उसको नोट करते जाओ। तो OMR एक आप फुल फॉर्म जरूर याद रखना, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR आपको पता होगा क्या होता है, आपने पेपर वगैरह दिए होंगे तो उनके अंदर आपको जब वो गोले वगैरह भरने होते हैं तो वो जो शीट होती है वो शीट चेक होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर से, ठीक है। अब इनपुट यूनिट टेक्स इनपुट एंड कन्वर्ट इट इंटू बाइनरी फॉर्म सो दैट इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। अब इनपुट यूनिट क्या होता है कि इनपुट यूनिट कंप्यूटर ले तो लेता है, लेकिन इनपुट यूनिट को समझेगा कैसे, क्योंकि कंप्यूटर तो केवल एक ही भाषा समझता है जो कि है बाइनरी लैंग्वेज। अब बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, बाइनरी लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर ना हिंदी समझता, ना इंग्लिश समझता, ना कुछ और लैंग्वेज समझता है, कंप्यूटर समझता है केवल बाइनरी लैंग्वेज जो कि होती है 0-1 की फॉर्म में, ठीक है, 0 और 1 की फॉर्म में। तो अब इनपुट तो कंप्यूटर ने ले लिया, फिर उसको कंप्यूटर क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा बाइनरी लैंग्वेज में। बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट क्यों करेगा, ताकि वो उसको अच्छी तरह समझ पाए। अब हम पढ़ते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब जब डेटा इनपुट हो चुका है, इनपुट से वो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द कंप्यूटर। मतलब ये सेंट्रली कंट्रोल करता है पूरे कंप्यूटर को, और गाइड करता है और डायरेक्शन देता है उसके और सारे परफॉर्मेंस पर, जो परफॉर्मेंस है उसका उसको, ठीक है। तो इसी वजह से ये कंप्यूटर का ब्रेन भी कहलाता है। अब CPU के दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, है ना। द CPU हैज़ टू कॉम्पोनेंट्स,
विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट फंक्शंस, अलग अलग फंक्शंस के लिए जो कि रेस्पॉन्सिबल है। तो जो ये दो कॉम्पोनेंट्स हैं वो है, पहला है कंट्रोल यूनिट सी यू, और दूसरा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ए एल यू। ठीक है, ये भी आपके लिए फुल फॉर्म हो गई, एक तो सी यू और एक ए एल यू, दोनों याद रखना और नोट करते चलना। आप अगर साथ में बैठे हो, बैठे हो कॉपी लेके, तो बहुत अच्छी बात है, आप नोट करते चलो, डेफिनेशंस बहुत काम आएगी आपके। डेफिनेशंस और ये जो फुल फॉर्म्स वगैरह हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होती है, अब हम ये देखते हैं। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, द ए एल यू परफॉर्म्स ऑल द फोर अर्थमेटिकल, मतलब कि ए एल यू जो है वो जो आपके अर्थमेटिक फंक्शंस है, अर्थमेटिक फंक्शंस कौन कौन से हो गए, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये फंक्शंस करती है करता है। और एंड सम लॉजिकल 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 ऑपरेशंस कौन से हो गए, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, तो ये सारे फंक्शंस अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। अब आते हैं हम दूसरे कंपोनेंट पे, जो कि है कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल गाइड एंड कंट्रोल गाइड द इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑल डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। अब सी यू क्या करता है, कंट्रोल करता है और गाइड करता है किसको, इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑल डेटा एंड इन्फॉर्मेशन को। अब फिर लिखा हुआ है, द सी यू सेंड्स सिग्नल अंटिल द रिक्वायर्ड ऑपरेशंस आर डन प्रॉपरली बाय ए एल यू एंड मेमोरी। मतलब सी यू क्या करता है, लगातार सिग्नल भेजता रहता है जब तक कि जो ऑपरेशन है, जो कि काम है, वो पूरा पूरा प्रॉपरली ए एल यू और मेमोरी कंप्लीट ना कर ले। मतलब सी यू सिग्नल जब तक भेजता रहेगा जब तक ए एल यू और मेमोरी अपना पूरा काम कंप्लीट ना कर ले प्रॉपरली। ठीक है, अब बात करते हैं हम आउटपुट यूनिट। अब आउटपुट यूनिट क्या होती है, आउटपुट यूनिट कैसे बनती है, आउटपुट यूनिट इज फॉर्म्ड बाय आउटपुट डिवाइसेस अटैच्ड विद कंप्यूटर। अब आउटपुट यूनिट कैसे बनती है, जो आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर से अटैच्ड हैं उनके द्वारा। तो अब आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, जैसे वो मॉनिटर, ठीक है, प्रिंटर। तो अब मॉनिटर पे कैसे आउटपुट आएगा, अब आपने कुछ लिखा कीबोर्ड से, तो वो आपने लिख दिया, अब वो आउटपुट आपको दिखेगा कहाँ पर, कंप्यूटर पे दिखेगा, मॉनिटर पे ही तो दिखेगा। तो मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जो आपको रिटर्न में आपका आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है, प्रिंटर, प्रिंटर क्या करता है, प्रिंटर आपका जो पेपर पेपर के ऊपर आपको आपका जो डिजायर्ड आउटपुट है वो दे देता है। ठीक है, तो मॉनिटर और प्रिंटर एग्जाम्पल्स है किसके, आउटपुट यूनिट के। अब बात करते हैं मेमोरी की। तो द मेमोरी सेल मे बी डिफाइंड एज ए डिवाइस विच कैन स्टोर अ सिंबल सेलेक्टेड फ्रॉम सेट ऑफ सिंबल्स। मतलब मेमोरी सेल कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या है, ये स्टोर करता है सिंबल्स को, सेलेक्टेड फ्रॉम सेट ऑफ सिंबल्स। अभी जो डेफिनेशन है आपको मेमोरी सेल की, एज इट इज़ आपको ऐसी की ऐसी याद करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये छोटी सी डेफिनेशन है और ये पेपर के अंदर आती है कई बार। अब मेमोरी, द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज ऑफन कॉल्ड द प्राइमरी मेमोरी, इसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, और इट इज़ जनरली द थर्ड कॉम्पोनेंट ऑफ सी पी यू, और ये सी पी यू का थर्ड कॉम्पोनेंट है। ठीक है, अब जो मेमोरी यूनिट्स है, अब मेमोरी यूनिट्स को जो अपन जो मेमोरी है, मेमोरी की यूनिट्स क्या क्या होती है, अब ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से कई बार क्वेश्चंस आते हैं। तो अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड अ बाइट एंड द ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड अ निबल। ठीक है, मतलब कि क्या है कि 8 बिट का, तो जो 8 बिट्स है, ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, वो कहलाती है एक बाइट। ठीक है, 8 बिट मिलके बनाती है एक बाइट, और 4 बिट्स मिलके बनाती है एक निबल। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जाता है, तो ये चीज़ आप जरूर याद रखें कि 8 बिट्स मिलके बनाएगी एक बाइट और 4 बिट्स मिलके बनाएंगे एक निबल। अब जो ये टेबल नीचे दे रखी है, इस टेबल को आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आपकी किताब के अंदर ही ये टेबल लिखी हुई होगी, तो आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है ना, अब इसमें दे रखा है 1 बिट बाइनरी डिजिट, फिर है 8 बिट मिलके बनाती है एक बाइट जो अपन पहले ऊपर पढ़ चुके हैं, और 4 बिट मिलके बनाती है एक निबल। ठीक है, 1024 बाइट्स मिलके बनाती है 1 KB,
जो कि होती है किलोबाइट, और 1024 KB मिलके बनाती है एक MB जो कि होती है मेगाबाइट, 1024 MB मिलके बनाती है 1 GB जो कि होती है गीगाबाइट, और ऐसे ही आगे चलती रहेगी। तो इस टेबल का या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या आपकी किताब में देख लो, इस टेबल को आपको याद करना है ऐसा कैसा है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, अब है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर में दो चीज़ होती है, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो कंप्यूटर के अंदर दो चीज़ें, एक तो हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर, ताकि कंप्यूटर प्रॉपरली फंक्शन कर पाए। तो अब हार्डवेयर के बारे में हम पहले बात करते हैं। अब हार्डवेयर रिप्रेजेंट क्या करता है? हार्डवेयर रिप्रेजेंट फिजिकल एंड टेंजिबल कॉम्पोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? फिजिकल और टेंजिबल, जिन चीज़ जो चीज़ फिजिकल है, जो चीज़ को अपन छू सकते हैं, वो सारे कॉम्पोनेंट आते हैं हार्डवेयर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, प्रिंटर्स, मॉनिटर्स एट्सेट्रा। ठीक है, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? हार्डवेयर के। एक टर्म होती है पेरीफेरल्स, जो कि सिमिलर होती है हार्डवेयर के। पेरीफेरल्स क्या होती है? पेरीफेरल्स होते हैं दीज आर द डिवाइसेस सराउंड द सिस्टम यूनिट, मतलब जो कि सिस्टम यूनिट, जो आपके सिस्टम है उसके आसपास जो डिवाइसेस हैं वो सारे पेरीफेरल्स हैं उसके। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं एग्जाम्पल इसके? वही कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे पेरीफेरल्स हैं। तो पेरीफेरल एक सिमिलर टर्म है किसके? हार्डवेयर के। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंट द सेट ऑफ प्रोग्राम दैट गवर्न गवर्न द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड मेक हार्डवेयर रन। मतलब सॉफ्टवेयर क्या करता है? सॉफ्टवेयर जो होता है वो सेट ऑफ प्रोग्राम होता है। ठीक है, जो किसमें आपकी हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है? जो ऑपरेशंस है कंप्यूटर के, जो कंप्यूटर के ऑपरेशन से, ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड मेक हार्डवेयर रन, मतलब हार्डवेयर को रन करने में हेल्प करता है, और आपके जो कंप्यूटर के जो ऑपरेशन से, जो कंप्यूटर के आपके काम है उनको करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड ब्रॉडली इंटू 3 कैटेगरीज। तो सॉफ्टवेयर जो है वो 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा लैंग्वेज प्रोसेसर्स, तीसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हम तीनों को अलग अलग करके पढ़ते हैं। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन है ये, इसको एज इट इज आपको याद करनी है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम विच एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन अ यूजर एंड हार्डवेयर। ठीक है, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? एक यूजर के और सिस्टम के बीच में एक इंटरफेस, मतलब कि किस तरीके से वो एक दूसरे का, मतलब इंटरफेस का मतलब होता है कि इंटरेक्ट कर पाते हैं वो दोनों आपस में एक दूसरे से, है ना, किस तरीके से वो किसका काम होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम विच एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन अ यूजर एंड हार्डवेयर। ठीक है, अब बात करते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर्स की। एज प्रोग्रामर्स प्रिफर टू राइट देयर प्रोग्राम इन वन ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब कि प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज में अपने प्रोग्राम को लिखते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि बिकॉज इट मच ईजियर टू कोड इन सच लैंग्वेज, मतलब कि ये बहुत ईजी होता है उनके लिए उस लैंग्वेज के अंदर कोड करना। हाउ एवर कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज अदर देन मशीन लैंग्वेज, जो कि है बाइनरी लैंग्वेज, मतलब कि कंप्यूटर जो है वो कोई और लैंग्वेज नहीं समझता, वो केवल समझता है मशीन लैंग्वेज, जो कौन सी है? बाइनरी लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो कंप्यूटर क्या करता है? इट बिकम नेसेसरी टू प्रोसेस एन HLL, मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, सो टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल टू द कंप्यूटर, मतलब कि उसको अंडरस्टैंडेबल, मतलब कि उसको समझने लायक बनाने के लिए कंप्यूटर क्या करता है? HLL प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो अब उसको कन्वर्ट करने के लिए द सिस्टम प्रोग्राम विच परफॉर्म दिस वेरी जॉब, मतलब ये काम करता कौन है, कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? लैंग्वेज प्रोसेसर्स। ठीक है, तो वो जो HLL लैंग्वेज में जो लिखे हुए प्रोग्राम्स हैं उनको कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? लैंग्वेज प्रोसेसर्स करते हैं। तो लैंग्वेज प्रोसेसर्स जो हैं ये 3 तरीके के होते हैं, एक होता है असेंबलर, एक होता है इंटरप्रेटर और एक होता है कंपाइलर। तो हम इनको भी अलग अलग करके पढ़ते हैं। तो लैंग्वेज प्रोसेसर का पहला होता है, और लैंग्वेज प्रोसेसर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मतलब बहुत बार पूछा गया है, हर लगभग हर पेपर के अंदर पूछा जाता है।
तो लैंग्वेज प्रोसेसर्स को आप ज़रूर पढ़ना, जिसमें असेंबलर होता है पहला। दिस लैंग्वेज प्रोसेसर्स कन्वर्ट द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ये क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। दूसरा है इंटरप्रेटर, दिस लैंग्वेज प्रोसेसर्स कन्वर्ट द HLL प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज बाय कन्वर्टिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इट लाइन बाय लाइन। मतलब इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर जो है ये लैंग्वेज प्रोसेसर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। और ये कन्वर्ट करता कैसे है, ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, पहले एक लाइन फिर दूसरी लाइन फिर तीसरी लाइन, ठीक है। मतलब एक लाइन बाय लाइन ये कन्वर्ट करता जाता है। और कंपाइलर और इंटरप्रेटर में यही डिफरेंस है कि कंपाइलर जो है वो क्या करता है, एक ही बार में पूरा कन्वर्ट कर देता है हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को, और जो इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर होता है इट ऑल्सो कन्वर्ट द HLL प्रोग्राम इन टू मशीन लैंग्वेज बाय कन्वर्टिंग द एंटायर HLL प्रोग्राम इन वन को। मतलब कि ये भी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये एक ही बार में कर देता है, ठीक है। जो हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम है उसको ये एक ही बार में पूरा कन्वर्ट कर देता है, और जो इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता चलता है, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंस है। और लैंग्वेज प्रोसेसर्स के अंदर मेन चीज़ डिफरेंस भी आ जाता है कई बार, और ये तीनों के बारे में भी पूछ लेता है, और मेन और जो इंटरप्रेटर और कंपाइलर के अलग से भी पूछ लेता है, ठीक है। तो एक लैंग्वेज प्रोसेसर एक अच्छा टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन उठ के आते हैं। अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन आपको ऐसे याद करनी है, एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम नेसेसरी टू कैरी आउट ऑपरेशंस फॉर अ स्पेसिफाइड एप्लीकेशन। तो अब कोई इसका मतलब क्या हुआ कि कोई स्पेसिफाइड एप्लीकेशंस के ऑपरेशंस को कैरी आउट करने के लिए नेसेसरी जो प्रोग्राम्स होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब एक टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं, वो ये है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की स्ट्रेंथ क्या है और कंप्यूटर की वीकनेस क्या है, तो स्ट्रेंथ के बारे में हम पहले बात करते हैं। स्ट्रेंथ के अंदर है पहला स्पीड, तो कंप्यूटर आर मच फास्टर एज कंपेयर टू ह्यूमन बींग। मतलब जो कंप्यूटर है वो ह्यूमन बींग के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। क्योंकि जो काम हम कर सकते हैं 10 मिनट में वो कंप्यूटर कर सकता है केवल 2 मिनट के अंदर, ठीक है। तो मतलब जैसे कैलकुलेशंस वगैरह हुई, कैलकुलेशन कंप्यूटर बहुत तेज़ी से कर सकता है ना। तो स्पीड के मामले में कंप्यूटर ह्यूमन बींग से काफ़ी फास्टर है, ठीक है ना। अब हाई स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ वेरी स्मॉल स्पेस। मतलब कंप्यूटर जो है वो स्टोर कर सकता है लार्ज अमाउंट, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर इन्फॉर्मेशन बहुत कम स्पेस के अंदर, ठीक है। तो ये इसकी एक स्ट्रेंथ हो गई। एक है एक्यूरेसी, अब कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म ऑल द कैलकुलेशंस एंड कंपेरिजन एक्यूरेटली। मतलब जो कंप्यूटर है वो जो कैलकुलेशन का जो भी काम है या फिर कंपेरिजन का काम है, तो वो काम कंप्यूटर बहुत एक्यूरेटली करता है, ठीक है। एक ये हो गई इसकी एक स्ट्रेंथ। एक है रिलायबिलिटी, कंप्यूटर कैन परफॉर्म ऑल द कैलकुलेशन एंड कंपेरिजन एक्यूरेटली, सो इट इज़ रिलायबल। मतलब कि आप इस पे भरोसा कर सकते हो कंप्यूटर पे। भरोसा कैसे कि कंप्यूटर का, क्योंकि कंप्यूटर जो कैलकुलेशंस वगैरह करता है वो बिल्कुल एक्यूरेट करता है, तो उन कैलकुलेशंस पे आप भरोसा कर सकते हो, इसका मतलब आप कंप्यूटर पे भरोसा कर सकते हो। वर्सेटिलिटी, कंप्यूटर कैन परफॉर्म रिपीटिटिव जॉब एफिशिएंटली। मतलब कंप्यूटर में वर्सेटिलिटी है, इसका मतलब कि कंप्यूटर जो काम है, जो रिपीटेड जॉब का काम है, वो एफिशिएंटली कर सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की वीकनेस की। वीकनेस क्या होती है, पहली वीकनेस है कंप्यूटर के अंदर की लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। मतलब कि कंप्यूटर जो है, द कंप्यूटर कैन नॉट डिसाइड ऑन देयर ओन। मतलब कंप्यूटर खुद से कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकता, जब तक उसको डायरेक्शन ना दिया जाए, या जब तक यूज़र उसको कोई डायरेक्शन ना दे, जब तक कंप्यूटर कोई काम नहीं करता। और कंप्यूटर का IQ लेवल 0 होता है, ठीक है। ये दूसरी उसकी वीकनेस है कि IQ 0।
कंप्यूटर आर डम मशीन विद जीरो आईक्यू, मतलब कंप्यूटर को पास आईक्यू नहीं है, जैसा आप बोलोगे वो वैसा वैसा करता जाएगा, उसके पास कोई आईक्यू नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं फर्मवेयर की। ये दो टर्म आती है यहाँ पे, फर्मवेयर और लाइववेयर। इन दो टर्म्स के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, कई बार आपको फर्मवेयर पूछ लेगा, कभी लाइववेयर पूछ लेगा, कभी दोनों पूछ लेगा, तो इनकी डेफिनेशंस भी आपको याद करनी पड़ेगी एज इट इज़। तो फर्मवेयर इज अ प्री रिटन प्रोग्राम दैट इज परमानेंटली स्टोर्ड इन रीड ओनली मेमोरी, मतलब कि रोम। इट कॉन्फ़िगर्स द कंप्यूटर एंड इट इज सॉरी इट इज़ नॉट इजीली मॉडिफिएबल बाय द यूज़र। मतलब कि फर्मवेयर जो है ये पहले से लिखा हुआ एक प्रोग्राम होता है जो कि रीड ओनली मेमोरी में पहले से स्टोर होता है। ठीक है, ये कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर करने में हेल्प करता है और इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता यूज़र के द्वारा। ठीक है ना, जैसे कि हुए बायोस, बायोस सेटिंग्स आपने सबने देखी होगी, बायोस इंस्ट्रक्शंस आपने सबने देखे होंगे। तो बायोस क्या होता है, बायोस एक फुल फॉर्म आपके लिए यहाँ पर आ चुकी है, बायोस। बायोस के भी कई बार पूछा जाता है, तो बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विसेज। ठीक है, तो बायोस की फुल फॉर्म भी आप याद रखना। तो बायोस इंस्ट्रक्शंस जो है वो एक फर्मवेयर का एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर दूसरी टर्म है लाइववेयर। अब लाइववेयर क्या होता है, इट इज़ द टर्म जनरली यूज फॉर द पीपल एसोसिएटेड विद एंड बेनिफिटेड फ्रॉम द कंप्यूटर। इसका मतलब कि ये जो टर्म है लाइववेयर, ये यूज़ करी जाती है उन लोगों के लिए जो कि एसोसिएटेड है, मतलब जुड़े हुए हैं, या फिर जिनको फ़ायदा हुआ है कंप्यूटर से। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स की। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि टाइप ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर आपको केवल ये टेबल याद करनी है और ज़्यादा डीपली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। ठीक है ना, तो केवल ये टेबल याद कर लो। और जो ये नोट लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है PARAM बाय CDAC एंड पेस बाय अनुराग, मतलब परम बाय CDAC एंड पेस बाय अनुराग आर सुपर कंप्यूटर्स, मतलब ये सुपर कंप्यूटर्स थे प्रोड्यूस्ड बाय इंडिया, इंडिया ने प्रोड्यूस किए और एक्सपोर्ट किए गए काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, और इस टेबल के अंदर जो आपका ये टेबल है, इस टेबल को आपको याद कर लेनी है ये एज इट इज़। इसके अंदर आपको डीपली जाके पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं इनपुट यूनिट की, वो सॉरी इनपुट डिवाइसेस की। इनपुट डिवाइसेस के अंदर आपको ज़्यादा कुछ डीपली जाने की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इनपुट डिवाइसेस के आप नाम याद रख लो, और MICR जो है, एक तो MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। एक OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। एक है OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बस आपको ऊपर ऊपर से इनके नाम पढ़ने हैं ताकि आपको याद रहे इनपुट डिवाइसेस होते कौन कौन से हैं। ठीक है, आपको इनके अंदर डीपली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और MICR जो है, MICR की आप फुल फॉर्म याद रख लो, OCR की आप फुल फॉर्म याद रख लो, OMR की आप फुल फॉर्म याद रख लो। ठीक है, अब हम आते हैं आउटपुट डिवाइसेस पे। आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं, मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर हो गया और कैथोड रे ट्यूब हो गई। तो ये इसमें भी आपको बिल्कुल डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल क्या करना है कि इसके जो आउटपुट डिवाइसेस है वो पढ़ लो। ठीक है ना, तो ज़्यादा डीपली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहले देखते हैं मॉनिटर। मॉनिटर आपको पता है क्या होता है, बिल्कुल आपको डिस्प्ले आउटपुट देने के जो काम में आता है वो मॉनिटर है। कैथोड रे ट्यूब, जो आपने पुराने पुराने मॉनिटर देखे होंगे है ना, जो टीवी के जैसे होते थे, वो होते थे कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो अभी LED डिस्प्ले वाले जो आपके मॉनिटर्स वगैरह आ रहे हैं, वो होते हैं ये। और LED को अपन बोलते हैं TFT भी बोलते हैं, TFT। TFT पेपर में बहुत बार पूछा गया है, तो TFT की फुल फॉर्म याद कर लो। LCD की फुल फॉर्म तो हो गई लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, TFT की फुल फॉर्म क्या है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये भी बहुत बार पूछी गई है, ये फुल फॉर्म भी आप लिख के रख लो, क्योंकि बहुत बार पूछते हैं इस फुल फॉर्म को। अब होते हैं प्रिंटर्स। प्रिंटर्स आपको मैंने आपको बताया है कि जो पेजेस के अंदर आपको आउटपुट देते हैं, पेजेस में रिटर्न फॉर्म के अंदर आपको आउटपुट, ये जो भी इमेज आपको आउटपुट में डिजायर्ड आउटपुट चाहिए होता है, वो आपको एक पेज पे प्रिंट करके दे देता है। ठीक है, और बस आपको यही करना है कि इसमें आउटपुट डिवाइसेस को याद रख लेना कि ये आउटपुट डिवाइसेस हैं, और आपको इसमें से कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आता है। स्पीकर्स आपको पता ही है होते क्या हैं, स्पीकर्स आपके जो साउंड आउटपुट के काम में आते हैं। ठीक है, तो जब आपको साउंड आउटपुट चाहिए होता है तब तो आप यूज़ करते हो स्पीकर्स।
अब बात करते हैं प्लॉटर्स की। एप्लीकेशंस रिक्वायर्स अ ग्राफिकल आउटपुट अपार्ट फ्रॉम द प्रिंटेड आउटपुट, ठीक है। तो प्लॉटर्स इसी काम में आते हैं कि ग्राफिकल आउटपुट देने के काम में आते हैं जो प्लॉटर्स होते हैं, ठीक है। प्लॉटर्स जो होते हैं वो ग्राफिकल आउटपुट देते हैं। अब टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स, अलग अलग तरीके के प्रिंटर्स होते हैं। तो अभी हम प्रिंटर्स को दो कैटेगरी में बांटते हैं, पहला होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन से हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर्स तो वो प्रिंटर्स हैं जिनका जिनका हेड जिनका प्रिंट हेड जो है वो पेपर से सीधा कनेक्ट होता है, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो होते हैं जिनका हेड पेपर से डायरेक्ट इम्पैक्ट, जिसका पेपर से डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता, ठीक है, वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर ऐसे तो बहुत सारे प्रिंटर्स होते हैं, पर हम हमारे कोर्स के अंदर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो प्रिंटर का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंटर के टॉपिक में से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आता है पहले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स। तो अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज़ अ मोस्ट पॉपुलर सीरियल प्रिंटर। सीरियल प्रिंटर का मतलब क्या हुआ कि ये एक बहुत पॉपुलर सीरियल प्रिंटर है। अब सीरियल प्रिंटर का मतलब क्या हुआ कि ये प्रिंट करता है वन कैरेक्टर एट अ टाइम, मतलब एक बार में केवल एक ही कैरेक्टर ही प्रिंट करता है, मतलब ये प्रिंट करने में लेता है बहुत टाइम, ठीक है। और अब है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स का जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिंट हेड जो है वो पेपर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं रहता, ठीक है। तो उसमें पहला होता है इंजेक्ट एंड बबल जेट प्रिंटर्स। तो अब ये इंजेक्ट प्रिंटर्स और बबल जेट प्रिंटर्स कौन से हैं? एन इंजेक्ट प्रिंटर इज एनी प्रिंटर दैट फायर्स अ एक्सट्रीमली स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक इन टू पेपर ऑन टू पेपर टू क्रिएट इम्प्रेशन ऑफ टेक्स्ट एंड इमेज। मतलब इंजेक्ट प्रिंटर जो है वो प्रिंटर्स वो होते हैं जो फायर करते हैं बहुत ही छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स इंक के पेपर के ऊपर, ताकि जो टेक्स्ट और इमेज आप डिजायर्ड है, आप जो चाहते हो, वो उसका इम्प्रेशन उस पेपर पे छप जाए, ठीक है। अब बबल जेट प्रिंटर्स कौन से होते हैं? बबल जेट प्रिंटर्स होते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे रेजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि हीट हीट क्रिएट करते हैं, हीट बनाते हैं। और उस हीट से क्या होता है, इंक वेपोराइज होती है और बबल क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। और जो बबल है वो क्या करते हैं, ड्रॉपलेट बनाते हैं, और जैसे ही ड्रॉपलेट बनती है वो ड्रॉपलेट जो है इंजेक्ट हो जाती है प्रिंट हेड से, ठीक है, और उसकी जो इमेज इम्प्रेशन है वो आ जाता है पेपर के ऊपर। अब है लेजर प्रिंटर। दीज प्रिंटर मेक यूज ऑफ ऑफिस कॉपियर टेक्नोलॉजी, ठीक है। मतलब ये जो प्रिंटर्स हैं ये ऑफिस कॉपियर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, और द डिजायर्ड आउटपुट इमेज इज रिटर्न ऑन अ कॉपियर ड्रम विद द हेल्प ऑफ लाइट बीम। मतलब कि लाइट बीम की हेल्प से एक ड्रम के ऊपर, कॉपियर ड्रम जो होता है उसके ऊपर इमेज जो है वो राइट हो जाती है, मतलब इमेज उस पर आ जाती है, फिर उसके बाद वो उस ड्रम से प्रिंट पेपर पे कॉपी होके आपके पास आउटपुट आ जाता है, ठीक है। और जो लाइट बीम है वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल की जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ मेमोरी कि मेमोरी के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। मेमोरी हमने पढ़ा था पहले क्या होता है मेमोरी, कि आपकी जो कुछ चीज़ें उनको होल्ड करके रखता है, जो आप काम कर रहे हो कंप्यूटर के अंदर उस चीज़ को होल्ड करके रखता है। अब पार्ट्स ऑफ मेमोरी क्या होती है, जैसे है रैम, पहला पहला पार्ट है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे हम बोलते हैं। तो द रैम इज़ द फॉर्म इज इन द फॉर्म ऑफ रैम चिप। मतलब कि जो रैम है वो किस फॉर्म में होती है, एक रैम चिप की फॉर्म में होती है, ठीक है। और जो डेटा है, द डेटा हेल्ड इन द रूम, रैम के अंदर डेटा रहता है, लेकिन वो डेटा कब तक है, बट टेम्परेरीली द डेटा डिसअपियर्स इफ़ द पावर इज स्विच ऑफ। मतलब कि वो डेटा कब तक रहेगा आपके उसमें रैम के अंदर, वो डेटा जब तक रहेगा जब तक आपका पावर स्विच्ड ऑन है। जैसे ही वो स्विच्ड ऑफ हुआ और आपके जो भी आपने उसमें डेटा पढ़ा हुआ है वो सब इरेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो रैम इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी, इसीलिए रैम को वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं, क्योंकि अपन जितना भी काम आपने किया है अगर आपने सेव कर लिया तो ठीक है, अगर आपने सेव नहीं किया तो वो जब तक ही रैम में रहेगा जब तक कंप्यूटर चालू है, जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होगा आपका डेटा सारा इरेज हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। दूसरा पार्ट है रोम, रीड ओनली मेमोरी। द रोम इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ चिप। मतलब जो रोम है वो भी चिप की फॉर्म में होती है, और जो डेटा इसके अंदर स्टोर होता है वो इरेज नहीं होता पावर ऑफ होने से कंप्यूटर के, ठीक है। तो जो रैम रोम है
वो होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, मतलब जो इतना आपने काम किया है वो इरेज नहीं होता इसके अंदर से, इसलिए ये क्या होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। कंप्यूटर के स्विच ऑफ होने से इसमें इसकी डेटा जो इसके अंदर पड़ा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक होती है कैच मेमोरी। कैच मेमोरी कौन सी होती है? कैच मेमोरी आज यूज इन मॉडर्न मीडियम एंड हाई स्पीड सीपीयूज टू होल्ड टेम्प्रेरीली दोज पोर्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ मेन मेमोरी विच आर करेंटली इन यूज। मतलब कैच मेमोरी जो है मॉडर्न और मीडियम कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ करी जाती है, और जो ये काफ़ी हाई स्पीड होती है, और ये क्या करती है टेम्परेली होल्ड करके रखती है जो जो भी काम मेन मेमोरी के अंदर अभी करेंटली यूज़ में है ना जो भी, तो उस पोर्शन को वो होल्ड करके रखती है, ठीक है। और कैच मेमोरी जो होती है वो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में रखी होती है, और ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, ठीक है। अब आती है कम्युनिकेशन बस। कम्युनिकेशन बस भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर से भी काफ़ी क्वेश्चंस पड़ते हैं। कम्युनिकेशन बस में तीन 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 बसेज होती है, एक तो होती है एड्रेस बस, एक होती है डेटा बस, एक होती है कंट्रोल बस। पहले पढ़ते हैं एड्रेस बस। द एड्रेस बस कैरीज मेमोरी एड्रेस, मतलब ये क्या क्या कैरी करता है? मेमोरी एड्रेस कैरी करता है जो इट हैज़ वन वायर टू फॉर ईच बिट, मतलब हर बिट के लिए इसके पास एक वायर है। तो इसको अपन 16 लाइन्स 16 लाइन्स भी बोलते हैं, तो देयर फॉर 16 बिट्स इक्वल्स टू 16 वायर्स, ठीक है। ये आपको ऐसा कैसा याद करना है। और फिर आती है डेटा बस। डेटा बस इसको बोलते हैं 8 लाइन्स। डेटा बस कैरीज डेटा इन बाइनरी फॉर्म बिटवीन द प्रोसेसर्स एंड एक्सटर्नल यूनिट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि डेटा बस क्या कैरी करता है? डेटा कैरी करता है और बाइनरी फॉर्म के अंदर कैरी करता है, ठीक है। बिटवीन द प्रोसेसर एंड द एक्सटर्नल डिवाइसेस, मतलब प्रोसेसर और एक्सटर्नल डिवाइसेस जो भी इसमें एक्सटर्नल डिवाइसेस आपके कंप्यूटर से अटैच उनके साथ, ठीक है, सच इज मेमोरी। अब इट्स टिपिकल साइज, मतलब इसकी जो साइज है वो 8 से लेके 16 बिट तक होती है, ठीक है। अब तीसरी कम्युनिकेशन बस आती है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस कंसिस्ट ऑफ वेरियस लाइन्स विच हैव स्पेसिफिक फंक्शंस फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेशंस। मतलब कि कंट्रोल यूनिट क्या क्या के अंदर क्या होता है, अलग अलग लाइंस होती है जिनका अलग जिनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेशंस, मतलब कोऑर्डिनेटर कंट्रोल करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर के फंक्शंस को और ऑपरेशंस को, ठीक है। तो ये तीन बसेज हैं, आपको इनकी जो जो भी मैंने लिखा हुआ है एज इट इज़ आपको लिखना है और याद करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। अब है पोर्ट्स। पोर्ट्स के क्वेश्चन भी पेपर के अंदर आते हैं। तो पहला पोर्ट कौन सा है? सीरियल पोर्ट। द सीरियल पोर्ट ट्रांसफर्स द डेटा सीरियली अ बिट एट अ टाइम। मतलब कि सीरियल पोर्ट क्या है? डेटा को सीरियली ट्रांसफर करता है, एक बार में एक बिट ट्रांसफर करता है, ठीक है। दीज आर टिपिकली यूज्ड टू कनेक्ट डिवाइसेस लाइक माउस एंड मॉडेम। तो जो ये पोर्ट हैं ये किस लिए यूज़ करते हैं? माउस जो जनरली जो टिपिकली यूज़ करते हैं इनको, इसलिए यूज़ करते हैं माउस और मॉडेम को कनेक्ट करने के लिए। पहले तो ये बताओ पोर्ट्स होता क्या है। पोर्ट्स का मतलब ये होता है कि एक्सटर्नल डिवाइस को जब भी हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो वो कनेक्ट होता है पोर्ट्स के थ्रू, ठीक है। तो अब दूसरा पोर्ट कौन सा होता है? पैरेलल पोर्ट्स। तो पैरेलल पोर्ट्स सेंड और रिसीव बाइट्स सॉरी बाइट एट अ टाइम। मतलब जो पैरेलल पोर्ट है वो सेंड और रिसीव करता है बाइट एट ए टाइम, ठीक है। मतलब जो सीरियल पोर्ट था वो तो सीरियली ट्रांसफर करता है, वो एक बार में केवल एक बिट, और जो पैरेलल पोर्ट है वो सेंड और रिसीव करता है एक बार में 8 बिट, ठीक है। और 8 बिट मिलकर बनाती है एक बाइट, ठीक है। अब है यूएसबी पोर्ट। अब यूएसबी की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है क्योंकि यूएसबी की फुल फॉर्म पेपर के अंदर आती है। तो यूएसबी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट, वो सॉरी यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। तो यूएसबी पोर्ट किस काम आता है? इट गिव्स यू सिंगल स्टैंडर्डाइज इजी टू यूज वे टू कनेक्ट अ वेराइटी ऑफ डिवाइसेज। मतलब ये आपको सिंगल स्टैंडर्डाइज, मतलब आपको इजी टू यूज वे देता है जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो अलग अलग तरीके के डिवाइसेज कंप्यूटर से। अब वो डिवाइसेज कौन कौन से हो सकते हैं? अब वो हो सकते हैं प्रिंटर हो सकती है, जॉयस्टिक हो सकती है, डिजिटल डिजिटल कैमरा हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके की काफ़ी डिवाइसेज आप इससे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब AGP, AGP क्या है? अब AGP की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है।
एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स ग्राफिक्स पोर्ट। अब ये क्या होता है, इस पोर्ट के थ्रू आप कनेक्ट करते हो ग्राफिक कार्ड्स, ठीक है, ग्राफिक कार्ड्स कनेक्ट करते हो जो आपको हाई स्पीड वीडियो मतलब बहुत अच्छी वीडियो परफॉर्मेंस देता है। और ये जो यूज़ करते हैं ये जनरली यूज़ होता है गेम्स वगैरह के लिए, गेम्स और अदर मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस, जो मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस है उनको भी काफ़ी अच्छा ग्राफिक परफॉर्मेंस चाहिए, वीडियो परफॉर्मेंस चाहिए, तो उसके लिए भी ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब पांचवा पोर्ट होता है इंफ्रारेड पोर्ट, IR पोर्ट। ठीक है, एन आई आर पोर्ट इज़ अ पोर्ट विच सेंड्स एंड रिसीव इंफ्रारेड सिग्नल्स फ्रॉम अदर डिवाइसेस। ठीक है, मतलब IR पोर्ट कौन सा होता है, IR पोर्ट वो होता है जो सिग्नल्स सेंड करता है और रिसीव करता है, इंफ्रारेड सिग्नल सेंड करता है और रिसीव करता है अदर डिवाइसेस से। ठीक है, तो इस पोर्ट के थ्रू क्या होता है, सेंड और रिसीव ऑफ इंफ्रारेड सिग्नल्स फ्रॉम अदर डिवाइसेस। ठीक है, छठा है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ क्या है, ब्लूटूथ क्या होता है, इसके थ्रू मोबाइल कंप्यूटर, ठीक है, ये चीज़ें जो मोबाइल कंप्यूटर्स और ये पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स जिनको हम बोलते हैं PDAs, ये भी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, PDAs। PDAs कौन से हो गए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स। ठीक है, तो ये इजीली कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, एक शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्शन आ जाता है इनके बीच में, क्योंकि ब्लूटूथ का बहुत शॉर्ट रेंज होती है, और कंप्यूटर्स और मोबाइल्स और ये जो शॉर्टलेस वायरलेस कनेक्शन में जुड़ जाते हैं और इजीली अपने जो डेटा है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक दूसरे के पास। ठीक है, नेटवर्क पोर्ट क्या होता है, अब नेटवर्क पोर्ट है, अ नेटवर्क पोर्ट इज़ एन एड्रेस, 16-बिट एड्रेस विद इन अ कंप्यूटर यूजुअली एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, अब नेटवर्क पोर्ट क्या होता है, नेटवर्क पोर्ट जो है एक एड्रेस होता है, 16-बिट एड्रेस होता है जो कि कंप्यूटर के अंदर होता है, और यूजुअली एसोसिएटेड मतलब किससे एसोसिएटेड होता है, विद अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, अब आते हैं फोन पोर्ट पे, अ फोन पोर्ट दैट अलाउज कनेक्टिंग टेलीफोन इक्विपमेंट्स विद द कंप्यूटर साउंड कार्ड। ठीक है, तो फोन पोर्ट किस काम आता है, तो फोन फोन पोर्ट क्या करता है, हेल्प करता है कंप्यूटर सॉरी टेलीफोन इक्विपमेंट्स को कंप्यूटर के साउंड कार्ड से कनेक्ट करने में। ठीक है, तो ये हुआ आज का जो हमारा सेशन था वो कंप्लीट होता है, ये पहला चैप्टर था हमारा हार्डवेयर कंसेप्ट, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में अभी कहीं पर भी अगर मैंने आपको जो पढ़ाया है उसमें कहीं पर भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम के लिए आप कमेंट कर सकते हैं हमें, और कमेंट कमेंट करोगे तो आपको पक्का उसका रिप्लाई मिलेगा और अगली क्लास आपके लिए डाउट क्लास बनाई जाएगी, और उस डाउट क्लास के अंदर उस पर्टिकुलर टॉपिक को वापस पढ़ाया जाएगा। तो अगर आपको वीडियोज़ हमारे अच्छे लग रहे हैं, इकोनॉमिक्स के वीडियोज़ भी हमने डाले हैं और साइंस की वीडियोस भी डाल रहे हैं, इकोनॉमिक्स वगैरह के वीडियोस अभी एक दो दिन में वापस और डालने लग जाएंगे रेगुलर बेसिस पे, तो इकोनॉमिक्स के वीडियोस में या किसी भी वीडियोस में आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको कमेंट में डालो, ताकि हम आपके लिए डाउट क्लास अवेलेबल करा सकें, और अगर आप और या तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप हमें मेल कर सकते हैं, मेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, और आपको जो नोट्स वगैरह है वो आपको PDF फॉर्मेट के अंदर हमारे फेसबुक पेज पे अवेलेबल हो जाएंगे, तो फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, और फेसबुक ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही, और अगर अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करो और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, तो ठीक है फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।